أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर अलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 10th आर्ट्स की। इसका चैप्टर नंबर है जी आज हमारे पास 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे पीछे वाले तमाम चैप्टर्स के जो लेक्चर हैं वो चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आपने अगर करना होगा तो इसकी प्ले लिस्ट में जाइएगा जनरल साइंस इंग्लिश मीडियम के, तो इसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो ये पंजाब बोर्ड के लिए, फेडरल बोर्ड के लिए, आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए और बाकी भी बच्चे जिनकी ये बुक है, बुक मैच कर लीजिएगा और उसके मुताबिक इसको करना शुरू कर दीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आइए जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका हमारे पास है जी, व्हाट इज अ लेज़र। लेज़र क्या है? अ लेज़र इज अ सोर्स दैट प्रोड्यूस अ वेरी इंटेंस बीम ऑफ लाइट। लेज़र जो है एक ऐसा जरिया है जो कि एक रोशनी की जो बीम है ना वो पैदा करता है। इन विच ऑल द वेव्स है द सेम वेवलेंथ, जिसके अंदर तमाम वेव्स की एक जैसी वेवलेंथ होती है। एंड ऑल द वेव्स आर कोहेरेंट, और तमाम जो वेव्स होती हैं वो एक ही नुक्ता के ऊपर मुड़कित होती हैं, इनके मुंतशिर नहीं होती, सारी इकट्ठी हो गए तो एक नुक्ता पर ही पैरें पड़ती हैं। सच अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक, और ये जो बीम ऑफ लाइट है इसको मोनोक्रोमैटिक कहा जाता है। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। फीचर्स ऑफ लेजर, पहला जी लेजर इज अ सोर्स दैट प्रोड्यूस अ वेरी इंटेंस बीम ऑफ लाइट, ये तो वही होगी डेफिनेशन में सही कि ये एक रोशनी की बीम पैदा करता है, बहुत इंटेंस मतलब के शदीद जो बड़ी यानी कि हार्ड कहल होती है। द लेज़र बीम ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, और लेज़र की जो बीम है वो एक ही डायरेक्शन में एक ही सिमत में चलती है। राइट टू यूजेज ऑफ लेज़र। लेज़र के दो इस्तेमाल। लेज़र इज यूज एज अ लैंसेट, इनके इसको लैंसेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र बीम जो होती है इसको लैंसेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रोशनी का नश्तर कह लें कि इसको चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्किन डिजीज एंड स्कार्स आर रिमूव्ड विद लेज़र रेज। जो जिल्द की बीमारियां हैं और जिल्द के ऊपर से दाग धब्बे जो होते हैं ये लेज़र के जरिए रिमूव कर दिए जाते हैं। व्हाट इज डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी क्या है? मैनी स्किन डिजीज एंड ब्लीमिशेज आर रिमूव्ड बाय लेजर्स, दिस इज कॉल्ड डर्माटोलॉजी। स्किन की बहुत सी बीमारियां फिर उसके ऊपर जो दाग धब्बे हैं उनको लेजर की मदद से दूर किया जाता है, इसको डर्माटोलॉजी कहा जाता है। व्हाट इज ऑप्थाल्मोलॉजी। ऑप्थाल्मोलॉजी क्या है? नाउडेज कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्लूकोमा ऑपरेशंस आर बीइंग डन विद ऑर्गन लेजर। ये कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा के जो इलाज है ना, ऑपरेशन है, वो ऑर्गन लेजर से किए जा रहे हैं। इट इज कॉल्ड ऑप्थल्मोलॉजी, इसको ऑप्थल्मोलॉजी कहा जाता है। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर्स आर फाइन स्ट्रेंड ऑफ ग्लास, ये शीशे की बारीक तारें होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्योर ग्लास कोर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ अनदर टाइप ऑफ ग्लास, ये एक हालत शीशे की यानी के तार होती है जिसके इर्द गिर्द एक और यानी के ग्लास की तय होती है। लाइट पासिस थ्रू इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके अंदर से जो लाइट गुजरती है ना वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल के मुताबिक गुजरती है। What is meant by total internal reflection? When light passes from a denser medium to a thinner medium, जब लाइट किसी मीडियम से लतीफ मीडियम में जाती है, ठीक है जी, denser मतलब गाढ़ा होता है, thinner होता है पतला, तो it is reflected away from the vertical, तो वो vertical position से थोड़ी पीछे हट जाती है यानी कि deflect हो जाती है। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, जब आप उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं मतलब लाइट अगर आप किसी शीशे में से कह लें गुजार रहे हैं ना, तो ऊपर से अगर गुजारेंगे 90 के एंगल से, फिर 45 के एंगल से,
या फिर 60 के एंगल से लाइट अगर एंटर करेंगे तो वो आप अंदर भी अपनी पोजीशन चेंज करती जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। दी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो इंक्रीज, वो जो नीचे जो एंगल रिफ्रैक्शन बन रहा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हेन दी एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड दी क्रिटिकल एंगल, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग रिफ्रैक्टेड, तो ये जो आर रिफ्रैक्ट यानी वापस आने की वजह क्या होता है, द लाइट इज रिफ्रैक्टेड बैक इन टू द डेंसर मीडियम इट सेल्फ, तो वो दोबारा इन जो डेंसर मीडियम है उसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है दोबारा, इनके उसमें से पास होने की बजाय ना इनके वो वापस चली जाती है टकरा के। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फाइबर ऑप्टिकल जो है उसके अंदर भी यही असूल से काम किया जाता है कि जो लाइट है वो टकराती है वो उसके अंदर ही यानी के वापस चली जाती है, जो शीशे के छोटे छोटे ग्लास के जो फाइबर ऑप्टिकल, असल में ना शीशे की ये तारे होती हैं बारीक बारीक, इसके अंदर कोई तांबा वगैरह नहीं होता, वो ये आवाज की जो सिग्नल है इनको ले जाने के लिए यूज होती हैं, बल्कि आवाज कह रहा हूँ रोशनी के जो सिग्नल है रोशनी की सूरत में, वह रोशनी की स्पीड आवाज से ज्यादा है, तो ये कोई भी चीज है उसको पहले यानी कि सिग्नल को रोशनी में चेंज करते हैं, फिर वो रोशनी की स्पीड ज्यादा है इसलिए जो फाइबर वाले जो नेट है उनकी स्पीड भी ज्यादा होती है। राइट, टू एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल जो फाइबर है उनके दो फायदे बताने। इट हेल्प द डॉक्टर टू एग्जामिन इन साइड द ह्यूमन बॉडी, तो इंसान के अंदर जो इंसान के जिस्म के अंदर मुआयना करने के लिए डॉक्टर को ये मदद देते हैं, ये बिल्कुल बारीक बारीक तारे होते हैं, ये इंसान के जिस्म में एंटर कर लेते हैं फिर उसके जरिए रोशनी गुजारते हैं और रोशनी के जरिए फिर अंदर चीजों को देखा जा सकता है, फिर उनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। फाइबर ऑप्टिकल फाइबर आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग टेलीफोन कॉल सिमल्टेनियसली, तो टेलीफोन कॉल को आगे ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज हो सकती है। व्हाट इज मेंट बाय सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है, अ सैटेलाइट इज अ स्पेस क्राफ्ट प्लेस इन अ स्पेशल ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, सैटेलाइट जो है ये एक स्पेस क्राफ्ट होता है, स्पेसशिप जिसे हम कहते हैं, तो ये एक जमीन के इर्द गिर्द एक एक खास ऑर्बिट है उसके अंदर इसको रखा जाता है। व्हाट इज रडार, रडार क्या है, अ डिवाइस दैट डिटेक्ट शिप्स ईटीसी, ऐसी डिवाइस जो जहाजों का पता लगाने के लिए बनाई जाती है, बहरी जहाज खास तौर पर, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए काम करता है, इज कॉल्ड रडार। हाउ डज रडार वर्क, रडार ट्रांसमिट शॉर्ट पल्सिस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स की जो ना लहरें छोड़ते हैं थ्रू आ रोटेटिंग एंटीना, उसके ऊपर जो एंटीना लगा होता है उसके जरिए ये लहरें छोड़ते हैं। व्हेन दी पल्सिस हिट एनी ऑब्जेक्ट, जब वो लहरें होती हैं यानी कि सिग्नल की किसी चीज से टकराती हैं, दे आर रिफ्लेक्टेड, वो टकरा के वापस आ जाती हैं, विच इज पिक्ड अप बाय द रडार एंटीना, जो कि रडार का एंटीना उसको पिक कर लेता है, एंड आर ट्रेस आर शेप इज अपटेन ऑन अ स्क्रीन, तो वो जिस चीज से टकरा के आ रही होती है ना वापस उसका यानी कि शेप ट्रेस हो जाती है, यानी कि उसका स्क्रीन के ऊपर शेप उसकी बन जाती है कि ये चीज आ रही है इस शेप की, इस शक्ल की चीज है वो। रडार कैन डिटेक्ट द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी एट अ डिस्टेंस, वो काफी यानी कि दूर से भी कोई भी बॉडी जो आ रही है या कोई भी चीज जो आ रही है ना उसका फासला भी बता देती है कि ये इतनी दूर है, इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, उसकी रफ्तार बता देती है कि कितनी रफ्तार से आ रही है, एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ईटीसी, और उसकी डायरेक्शन बता देती है कि किस तरफ आ रही है, लेफ्ट राइट ही यानी कि सामने आ रही है, फॉरवर्ड हो रही है या बैकवर्ड हो रही है। राइट, टू एडवांटेज ऑफ रडार, एडवांटेज ऑफ रडार कौन से हैं जी, ये रडार हेल्प इन लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, ये ढूंढने के लिए चीज़ों को और उनकी 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 शनाख्त के लिए यूज होते हैं। रडार कंट्रोल एयर ट्रैफिक, इससे एयर ट्रैफिक भी कंट्रोल हो सकती है इन बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री सेक्टर्स। डिफाइन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सैटेलाइट प्लेस इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऐसे सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रखे जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए और टीवी वगैरह के प्रोग्राम के लिए, इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जाता है।
वट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट? एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 एमिट रेडिएशन कंटिन्यूअसली। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है ना, वो लगातार रेडिएशंस हार्ज करते रहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। द प्रोसेस ऑफ इमिटिंग रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, उसके अंदर से शुआओं का जो निकलना है ना, उसको प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन, और इनमें से तीन किस्म की रेडिएशन शुआएं यानी कि निकलती हैं। पहली अल्फा, बेटा और गैमा। अल्फा, बेटा और गैमा। डिफाइन आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? न्यूक्लियाई हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एंड डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर मुख्तलिफ होता है, एंड हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और कीमी लिहाज से उनकी सूचियाँ एक जैसी हों, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल द थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोटियम, डीट्रियम एंड ट्रीट्रियम। ये तीन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, और ये इनकी जो है मास एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर इनका मुख्तलिफ होगा, और कीमी लिहाज से ये एक जैसे ही हैं। डिफाइन अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स। साउंड हूज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। कहते हैं ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, उनका उनको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। वाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG से क्या मुराद है? द टेस्ट दैट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इनका जो दिल की एक्टिविटी का पता लगाते हैं ना, दिल की धड़कन के बारे में और दिल की तमाम फंक्शन के बारे में, तो वो उसकी ECG की जाती है। वाट इज मेंट बाय EEG? द रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी कि दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, उसका जो रिकॉर्ड करना है, कॉल्ड ब्रेन वेव, जिनको हम ब्रेन वेव्स कहा जाता है। फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द हेड, सर की बिरूनी सतह से, इज कॉल्ड EEG, इसको EEG कहा जाता है। वट इज मेंट बाय MRI? MRI क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट क्रिएट इमेज ऑफ अ बॉडी पार्ट्स। ये एक मेडिकल की यानी कि शनाख्त करने की तकनीक है। डायग्नोस्टिक होता है किसी भी चीज की शनाख्त करना, दो के इमेजेस बनाती है, तस्वीरें बनाती है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के असूल के मुताबिक। वट इज मेंट बाय अ CT scan? CT scan से क्या मुराद है? स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे दैट इज अब्टेन बाय इंजेक्टिंग सेवरल बीम्स इनटू द बॉडी एट डिफरेंट एंगल्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल एक्सरे बीम। CT scan क्या है जी? एक एक्सरे बीम की बजाय कई एक्सरे बीम जिस्म के अंदर मुख्तलिफ एंगल से दाखिल किए जाते हैं, उसको हम द मशीन यूज, इसको जी हम कहते हैं CT scan, यानी कि एक एक यानी कि आप कह लेंगे एक्सरे बीम रे की बजाय कई एक्सरे जिस्म के अंदर दाखिल किए जाते हैं मुख्तलिफ एंगल से, जिसको CT scan कहा जाता है। द मशीन यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड CT scanner। तो इसके लिए जो मशीन यूज होती है उसको CT scanner कहा जाता है। डिफाइन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या है जी? द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनल पिक्चर्स ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड एंजियोग्राफी। जो आर्टरीज है ना जिस्म के अंदर, उनकी अंदरूनी पिक्चर्स हमें मुहैया करती है एंजियोग्राफी। वट इज लिथोट्रिप्सी? लिथोट्रिप्सी है। अ लेजर इज यूज टू डिटेक्ट एंड ब्रेक अप किडनी स्टोन्स। किडनी के अंदर से लेजर के जरिए स्टोन्स को तोड़ा जाता है विदाउट सर्जरी, सर्जरी के बगैर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी।
इस प्रोसेस को लिथोट्रिक्सी कहा जाता है। डिफाइन होलोग्राम एंड होलोग्राफी। लेजर प्रोड्यूस थ्री डायमेंशनल इमेजेस कॉल होलोग्राम्स। लेजर के जरिए सह सकती कह सकते हैं हम तीन इमेज, यानी कि एक चीज के तीन तरफ से तस्वीरें ली जाती हैं, लेफ्ट राइट और फ्रंट या बैक, इस तरह से इनके एक तस्वीर लेनी है लेकिन उस एक चीज की तस्वीर तीन तरफ से ली जाती है, थ्री डायमेंशनल कह लें। 3D भी आप अपने माइंड में रख लें, जिस तरह 3D पिक्चर होती है वो चीज। दिस मेथड इज कॉल होलोग्राफी, इस मेथड को होलोग्राफी कहा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय रेडियो आइसोटोप, आइसोटोप डेट आर रेडियो एक्टिव आर कॉल रेडियो आइसोटोप। जो रेडियो एक्टिव होते हैं ना आइसोटोप, उनको रेडियो रेडियो आइसोटोप कहा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय एक्स रे, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द पार्टिकुलर मेटल वेरी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन आर इमिटेड, दीज रेज आर कॉल्ड एक्स रेज। कहता जी जब बहुत ज्यादा एनर्जी के हम इलेक्ट्रॉन किसी खास किस्म की प्लेट के साथ टकराते हैं ना, तो उनमें से एक खास किस्म की रेडिएशन निकलती हैं, जिसे हम एक्स रेज कहा जाता है। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज के दो फायदे बताइए। एडवांटेज ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज हेल्प डॉक्टर एग्जामिन ह्यूमन टिश्यू टू द कोर। एक्स रेज जो है इंसान के जो टिश्यूज है ना उनको उनका मुआयना करने के लिए यूज होती हैं। एक्स रे स्कैनर्स आर यूज एज अ स्टैंडर्ड टूल फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी। ये एयरपोर्ट के ऊपर स्कैनर के तौर पर जो स्कैन कर रहे होते हैं उनके अंदर भी एक्स रेज होती हैं। राइट टू एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द किडनी इज डिटेक्टेड। किडनी के अंदर से ब्लड की जो स्पीड है उसको उसकी तशीस की जाती है। द प्रेजेंस ऑफ कैंसर इन ग्लैंड एंड ऑर्गन इन द बॉडी कैन बी रिवील्ड। और ग्लैंड के अंदर के और जिसम के मुख्तलिफ एजाज होते हैं उसके अंदर से अगर कैंसर वगैरह हो तो उसको भी जाहिर किया जाता है इसकी मदद से। डिफाइन शुगर, इफ सुक्रोज इज सेपरेटेड फ्रॉम शुगर कैन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इट इज कॉल्ड शुगर। देखें शुगर कैन से पहले उसकी वो बनती है, उसका रस निकालते हैं, रस निकालने के बाद फिर उसको वो उबाल के फिर उसके अंदर से सुक्रोज अलग कर लेते हैं क्रिस्टल की हालत में, तो उसको शुगर कहा जाता है। डिफाइन स्टील, स्टील क्या होता है। स्टील इज अलाइड विद कार्बन, स्टील जो है ना उसकी कार्बन के साथ एंड सम टाइम विद अदर एलिमेंट टू मेक इट हार्डर आर एज रिक्वायर्ड। स्टील को कार्बन के साथ या बाद अब किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स किया जाता है, गर्म किया जाता है, कह लो कि उसके अंदर मिलावट की जाती है ताकि उसको सख्त बनाया जा सके जरूरत के मुताबिक, इट इज कॉल्ड स्टील। लोहे की जो है ना मिलावट की जाती है कार्बन के साथ और दूसरे किसी एलिमेंट के साथ ताकि वो सख्त हो जाए, तो इसको स्टील कहा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय फार्मेसी, द प्लेस वेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर मेड इज कॉल्ड फार्मेसी। इंडस्ट्री रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल आर कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। जहां पर दवाइयां वगैरह बनाई जाती हैं उनको उसको फार्मेसी कहते हैं, लेकिन हम तो ज्यादातर मेडिकल स्टोरों के ऊपर लिखा होता है जी फार्मेसी फार्मेसी। चलो वो बेचते हैं, बनाते तो नहीं बेचते हैं, लेकिन ये इस डेफिनेशन के मुताबिक फार्मेसी उसी को कहेंगे जहां पर ये चीजें बनाई जाती हैं। तो इंडस्ट्री जो इसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। व्हाट आर फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल्स होते क्या हैं। फार्मास्यूटिकल्स आर द मेडिकल प्रोडक्ट, ये मेडिकल की चीजें होती हैं, दवाइयां साजी या उनके मुतालिक जो डॉक्टरी औजार वगैरह ये दैट आर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। जो मुस्लिम बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर जो है वो नुस्खा लिख के देते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से क्या मतलब है। एन इंडस्ट्री दैट मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर, जो कि सिंथेटिक फाइबर बनाती है उसको इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। व्हाट इज मेंट बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री दैट मैन्युफैक्चर्स यार्न एंड फैब्रिक फ्रॉम कॉटन। ऐसी इंडस्ट्री जो के धागे से कपड़ा और धागे से रुई से
कॉटन जो होता है ना, रुई होती है, रुई से कपड़ा बनाते हैं और यार्न होते हैं धागे, इस कॉल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। 35 वाला जी, व्हाट डज टैनरी मीन? टैनरी आपने अक्सर देखी होगी कि चमड़े की जो होती है ना धोने वाली, बड़े बड़े से उन्होंने लकड़ी के ढोल टाइप से लगाए होते हैं जिसको वो धोते हैं, टैनरी उसको कहा जाता है, जहां पर स्किन्स जो होती हैं चमड़े की उनको साफ किया जाता है, उनको फिर प्रोसेस करके तो आगे उससे चीजें वगैरह बनाने के लिए बेचा जाता है। पहला जो प्रोसेस होता है वो टैनरी में होता है। स्किन्स और हाइड्स, ये जो खलने वगैरह होती हैं उनको कहते हैं, आर पुट थ्रू वेरियस प्रोसेसेस बिफोर यूज इज कॉल्ड टैनरी। उस खलों वगैरह को यूज करने से पहले उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसको टैनरी कहा जाता है। 36 है जी, व्हाट इज सिंथेटिक लेदर कॉल्ड? लेदर इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ डिफरेंट एनिमल लाइक शीप, गोट, कोज, बफलोज एंड कैमल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ज्यादातर जो लेदर है वो ये शीप, गोट, कोज, बफलो एंड कैमल से हासिल की जाती है। कहता है इसके अलावा लेदर इज नो ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, उसको मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से बनाया भी जा रहा है, विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लेदर, जिसको हम आर्टिफिशियल लेदर कहते हैं, सिंथेटिक लेदर भी कहा जाता है। वट इज कॉल्ड वेविंग? वेविंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लॉथ ऑन लूम्स इज कॉल्ड वेविंग। लूम्स ये मशीनें होती हैं कपड़ा बनाने वाली, लूम्स के ऊपर कपड़े को बनाना जो है ना वो वेविंग कहते हैं। वट इज नाइटिंग कॉल्ड? इन दिस प्रोसेस द फैब्रिक इज प्रोड्यूस ऑन नाइटिंग मशीन। तो नाइटिंग मशीन है उनके ऊपर कपड़े बनाए जाते हैं। द फैब्रिक इज फर्स्ट क्लीन, उसको साफ किया जाता है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, उसके अंदर से मिलावटें अलग की जाती हैं। दैट द फैब्रिक इज डाइड और प्रिंट, फिर उसको डाई किया जाता है, रंग किया जाता है, या फिर उसको प्रिंट प्रिंट कर लिया जाता है। व्हाट इज स्पिनिंग कॉल्ड? स्पिनिंग क्या है? इन दिस प्रोसेस कॉटन बेल्स आर सेंड टू टेक्सटाइल मिल्स। इस तरीकाकार में क्या होता है, कॉटन के जो तो बड़े बड़े गट्ठे हैं ना वो भेजे जाते हैं टेक्सटाइल मिल में, वेयर कॉटन फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू यार्न, जिससे जो कॉटन होता है ना उसको धागों में तब्दील कर दिया जाता है। व्हाट आर डिफरेंट सेक्शन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेक्शन बताने हैं। पहला जी स्पिनिंग, वेविंग, वेविंग एंड फैब्रिक फॉर्मेशन और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइबर आर देयर? फाइबर की कितनी किस्में हैं? ये हैं जी नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, दो हैं। व्हाट इज नेचुरल फाइबर एंड वेयर इज इट ऑब्टेन फ्रॉम? ये कहाँ से हासिल होता है? नेचुरल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक कॉटन, जोट, वूल एंड सिल्क ईटीसी। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर एंड हाउ इट इज ऑब्टेन्ड? सिंथेटिक फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन हिमसेल्फ, ये इंसान ने खुद बनाया हुआ है, विच इज मेड बाई यूजिंग डिफरेंट रॉ मटीरियल, जिसको मोस्टली फार्म माल इस्तेमाल करके बनाया जाता है, लाइक पोलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, अक्रैलिक ईटीसी, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। व्हाट इज कॉल्ड बगैस? बगैस किसे कहते हैं? इट इज यूज एज फ्यूल इन शुगर मिल्स। शुगर मिल में ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। द रेस्ट इज यूज टू मेक पल्प, बाकी जो बच जाते हैं इससे पल्प बनता है, पेपर बनता है, चिपबोर्ड बनता है एंड कबर्ड और बोर्ड्स बनते हैं। अच्छा ये किसे कहते हैं? ये फोक होता है, फोक, जब शुगर कैन में से रस निकाल लिया जाता है पीछे से उसका रह जाता है ना छिलके वगैरह, वो उसको ये कहते हैं। वट इज मोलेसिस? मोलेसिस क्या होते हैं? ये मोस्ट ऑफ दी अवेलेबल मोलेसिस इज एक्सपोर्टेड वाइल सम इज यूज टू मेक अल्कोहल एंड कैटल फीड। ज्यादातर जो मोलेसिस है ना इसको हम भेज देते हैं बाहर, जबकि कुछ हिस्सा इधर इसका हम अल्कोहल बनाने के लिए और जानवरों की खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मोलेसिस ये होता है कि जब उसको गर्म किया जाता है ना गन्ने के रस को, उसके ऊपर जो मैल कुचैल आ जाती है उसको उतारते हैं, फिर इम्प्योरिटीज होती हैं, होता है तो वो भी मीठा ही रहा है, मीठा ही है ना, लेकिन उसके उसके आगे से फिर प्रोसेस होके चीजें बनती हैं। व्हाट वर्ड इज रडार ड्राइव फ्रॉम? ये रडार जो है ये कहाँ से निकला है?
वर्ड डॉट इज ड्राइव फ्रॉम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वेयर डज इलेक्ट्रिक पावर फॉर सेटेलाइट केम फ्रॉम, सेटेलाइट के लिए इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से आती है। इलेक्ट्रिकल पावर फॉर सेटेलाइट इज अपटेन फ्रॉम सोलर सेल पैनल्स, उनके ऊपर ना वो सोलर सेल जो होते हैं पैनल लगा के भेजते हैं, जिससे वो अपनी बिजली खुद ही पैदा करते रहते हैं, इसलिए वो ऊपर हवा में चलते रहते हैं। लेकिन ये चैप्टर नंबर जो 10 था, इसके शॉर्ट क्वेश्चन तमाम कंप्लीट हो गए। तो आपने क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।